अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्वागत है आपका स्मार्ट किचन में। तो आज हमारे किचन में बनने वाली है सूजी आलू मसाला पूरी। आप इसे सुबह नाश्ते में या फिर लंच में बनाकर रख लें या डिनर में, कभी भी बनाएं, ये पूरी बहुत ही मजे की और बहुत ही टेस्टी लगती है। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। इसे बनाने के लिए एक कप हमने सूजी ली है, इसमें हम डालेंगे 2 कप गर्म पानी। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे पानी में। तो सूजी को आप गर्म पानी में ही भिगाएं, ठंडे पानी में बिल्कुल ना भिगाएं। अगर गर्म पानी में भिगाएंगे तो सूजी अच्छी तरह फूलती है। चलिए तो ये अच्छी तरह मिक्स हो गई है। अब इसे हम ढक कर रख देंगे 10 से 12 मिनट के लिए। चलिए तो 10 मिनट हो गए हैं, सूजी अच्छी तरह फूल गई है। अब इसमें हम डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया और 1 से 2 हरी मिर्च और 3 मीडियम साइज के आलूओं को उबाल कर छील कर और इसे कद्दूकस कर लिया है, तो ये डाल देंगे। पाउडर मसालों में 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर, 1/2 टीस्पून काला नमक, 1/2 टीस्पून सफेद नमक, 1 टीस्पून कसूरी मेथी, 1 टीस्पून चाट मसाला। अब ये सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये सारी चीज अच्छी तरह मिक्स हो गई है। अब इसमें हम डालेंगे गेहूं का आटा। तो एक बड़ी सी थाली में हमने 1 से 1.5 कप गेहूं का आटा ले लिया है। अब इसमें हम डालेंगे ये सारा मिक्सचर और ये आटे में अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। आप यहाँ मैदा भी डाल सकते हैं। अगर आपका डो थोड़ा सा लूज हो जाता है तो आप इसमें सूजी या फिर गेहूं का आटा मिक्स कर लें। ये देखिए आटा अच्छी तरह हमने गूंद लिया है। चलिए तो ये आटा अच्छी तरह गूंद गया है, अब इसकी हम पूरियां बनाएंगे। तो आटा यहाँ बहुत ज्यादा कड़क भी नहीं है और बहुत ज्यादा नरम भी नहीं है। चलिए तब इसकी बना लेंगे हम लोई। तो लोई बनाने के लिए हमने यहाँ थोड़ा सा सूखा आटा लिया है, आप चाहें तो यहाँ ऑयल भी ले सकते हैं। आटा नरम रहता है तो यहाँ हमने सूखा आटा ही लिया है। और इस तरह इसकी लोइयां बनाकर तैयार कर लें, इसे रखते जाएं। तो यहाँ हमने थोड़ा सा सूखा आटा लगा लिया है, अब इसे हम बेलेंगे। तो इस तरह की पूरी को बेलकर आप तैयार कर लें, इसे हम एक प्लेट पर रखते जाएंगे। तो कढ़ाई में हमने तेल को गरम कर लिया है, अब इसमें हम डालेंगे ये पूरी। तो पूरी हम बड़े सावधानी से डालेंगे क्योंकि तेल यहाँ थोड़ा सा गरम है। और पूरी को हम इस तरह दबाते हुए हल्के हाथों से फ्राई करेंगे। अब इसे हम पलट देंगे। अब हम डालेंगे ये दूसरी पूरी और इसे भी हल्के हाथों से दबाते हुए फ्राई करेंगे। और जब ये पहली पूरी अच्छी तरह फ्राई हो जाए, ये देखिए दोनों साइड से अच्छी तरह फ्राई हो गई है, अब इसे हम निकाल लेंगे। और इस तरह सारी पूरियों को हम फ्राई कर लेंगे।